श्री सतगुर श्री मुखों सवारे महाराज अपने मुख तो बीरस दी बाणी पढ़ी जांदे ने तेज तेज जो चंडी बाणी। आज देखो ना साध संगत जी आज कल कहंदे आ वी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल मशगाया करांगे, दसम दी बाणी नहीं पढ़नी। पर पुराने ग्रंथ हुण भाई मताप सिंह दा पोतरा लिख रहा, हुण मताप सिंह दी गल मन्नीए कि इहनां दी मन्नीए असीं। भाई मताप सिंह कौन है जिहने मसे रंगड़ दा सिर वढ़िया? ओहदे पोतरे भाई रतन सिंह जी लिख रहे आ तेज तेज जो चंडी बाणी, जेड़ी वीरस वाली बाणी है, तेजस्वी बाणी है, वह सतगुरु जी पढ़ रहे ने। तो अमृत दे विच पढ़ी है बाणी तां कि सिंघां च वीर रस आ जावे। तो इत्थे सवैया भी तिरभंगी छंद लिखिया, खग खंड बहंडंग खल दल खंडंग अतरण मंडंग बर पंडंग कुछ दंड खंडंग तेज प्रचंडंग ज्योति मंडंग पान प्रभंग सुख संतां करणंग दुर्मत दरणंग किल विखारणंग असरणंग जय 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 कारण सृष्टि उबारण मम प्रतिपारण जय तेगन। इस तरह की बाणी झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गगड़दंग गाजी महा गज गज, जिसनु पढ़ के वीर रस आ जावे, कायर भी बहादुर योधे बन जान, वो बाणी दसवें पातशाह ने खंडे की फौज च पढ़ी है। तो ए खालसा जी खंडा है ही दसम की बाणी विचों। जे कदी खंडे का सिद्धांत पढ़ना तो गुरु ग्रंथ साहिब दी भगती का सिद्धांत है, शक्ति का दसम की बाणी विच ही है। तो एवें किसी दियां गल्लां च आ के अपनी पैरी घोड़ा ना मारो। जे पंथ खालसा रहना तो वह आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दसम गुरु ग्रंथ साहिब इन्हां गुरु ग्रंथ साहिबां दी जो बाणी उहदे सिद्धांत अनुसार ही रहना है। तो जे खत्म करना तो भाई तुहाडी मर्जी है। असीं आप ही अपने सिद्धांत हौले 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 छड्डी गए ते अज साडे सामने इहो जिहियां समस्या आ गईआं भी सानूं अमृत ते भी किंतु परंतु होण लग पिआ।